कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र का अध्याय 7 भारत में कृषि का विकास के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए पहले पाठ में देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो यह है पाठ हमारा, किसी भी देश के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कृषि को सर्वोपरि माना जाता है। स्वाधीनता के पूर्व हमारे देश में कृषि की स्थिति दयनीय थी, उत्पादन बहुत कम होता था, सिंचाई सुविधाओं और रासायनिक दवाओं की कमी थी। किसानों को भूस्वामी बनाने तथा शोषण मुक्त करने के उद्देश्य से आजादी के बाद जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया और जमींदारों की अनाधिकृत जमीन भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया। सन 1950 से 66 के मध्य सिंचाई व बिजली परियोजनाओं का खूब विस्तार किया गया। सन 1965 और 1966 में हमारे देश में भीषण अकाल पड़ा। वैज्ञानिकों की सहायता से उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि योजना बनाई गई जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति में वैज्ञानिक कृषि पद्धति पे विशेष जोर दिया गया। अब किसान परंपरागत शैली छोड़ने लगे थे। हरित क्रांति नीति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ जिलों में सघन जिला कृषि कार्यक्रम के नाम से लागू की गई। छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति 1966 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुई। इसके लिए रायपुर जिले को चुना गया था। इसी योजना के अंतर्गत रायपुर में कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कोडार बांध, पंडित रविशंकर बांध का निर्माण तथा सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई। सरकार किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक निश्चित मूल्य तय करती है जिसे समर्थन मूल्य कहा जाता है। सोसाइटी व कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदे जाते हैं। समुचित भंडारण के लिए खाद्य भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया। उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करने के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोली गई। हरित क्रांति के उत्पादन में वृद्धि तो हुई किंतु भू जल स्तर तेजी से गिरने लगा और मिट्टी में उर्वरता शक्ति भी कम होने लगी। रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से सूक्ष्म जैविक तत्व नष्ट होने लगे। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास, मूंगफली, सब्जी, फल, फूल, मशरूम तथा औषधि की खेती में वृद्धि होने लगी। कुएं, नलकूप, लिफ्ट इरिगेशन, तालाब निर्माण आदि जल संचरण के महत्वपूर्ण विकल्प हैं। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं तालिका बनाइए। मैं रायपुर जिले में रहता हूं, इस क्षेत्र में ली जाने वाली फसलों की जानकारी निम्नलिखित है। तो तालिका बनाई जा रही है, पहले क्रमांक डालते हैं, फसलों के नाम, बुवाई का समय और कटाई का समय। तो नंबर एक है, नंबर एक पे धान है। धान जून और जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। नंबर दो पे आता है गेहूं। गेहूं जो है नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। नंबर तीन है अरहर। अरहर जो है जुलाई अगस्त में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। नंबर चार आता है तीवरा। तीवरा क्या है, अक्टूबर में बोया जाता है, फरवरी मार्च में काटा जाता है। नंबर पर आता है मटर। मटर जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। फसल की अधिक पैदावार से रोजगार के अवसर किस प्रकार बढ़ेंगे स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है हमारा, फसल की अधिक पैदावार से रोजगार के अवसर निम्न रूपों में बढ़ेंगे। नंबर एक, अधिक पैदावार होने से सरकार को अधिक मात्रा में फसल खरीदी केंद्र खोलने पड़ेंगे जिनमें हमाल, मुंशी आदि के रूप में लोगों को काम मिल सकेगा। नंबर दो, गांव से खरीदी केंद्र तक फसल उत्पादन को ले जाने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नंबर तीन, धनाभाव के कारण जो अभिभावक अपने बच्चों को स्वरोजगार के लिए सहयोग नहीं कर पा रहे थे उनके लिए यह वरदान साबित होगा। नंबर चार, फसल खरीदी केंद्र के आसपास चाय दुकान, पान ठेला, जलपान, साइकिल स्टैंड आदि के रूप में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। बड़े किसान कार्य के लिए ट्रैक्टर, ट्रक आदि वाहन आदि खरीद सकेंगे जिससे भी चालक
सहचालक और पूरी खलासी के रूप में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। नंबर 6, अच्छी पैदावार होने से किसान खेती में सुधार के लिए खेत संतुलीकरण, मेड़ निर्माण, कुआं निर्माण आदि कार्य करवाएंगे, जिससे ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत क्यों है? उत्तर है, ये किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का फैसला किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर किसान चाहे तो सरकार सोसाइटी को अपना अनाज दे सकते हैं। सरकार इस तरह समर्थन मूल्य तय करती है जिससे किसानों को उपज की लागत मिल सके और कुछ लाभ भी हो सके। समर्थन मूल्य के कारण किसान व्यापारियों को कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समर्थन मूल्य किसी फसल के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम दर है जो उसके लागत मूल्य के साथ आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है। पैदावार में स्वावलंबी होना आवश्यक है, क्यों? उत्तर है, इसका अनाज यानी खाद्यान्न की पैदावार में स्वावलंबी होना न केवल भारत के लिए वरन किसी भी राष्ट्र के लिए नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि जीवन के लिए पहली अनिवार्यता भोजन ही है। यदि देश में इतना खाद्यान्न उत्पन्न नहीं हो पा रहा है जिससे देशवासियों को पर्याप्त भोजन मिल सके, तो विदेशों से खाद्यान्न की आयात अत्यधिक मूल्यों पर करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप देश के आय का महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशों में चला जाएगा। इससे देश में चल रहे प्रगति के कार्य प्रभावित होंगे और देश का विकास रुक जाएगा अथवा गतिरोध उत्पन्न होगा। कई लोक कल्याणकारी योजनाओं धरी की धरी रह जाएंगी। यदि विकास कार्य प्रभावित होगा तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सीमित रह जाएंगे। इस अभियान में आत्मनिर्भरता राष्ट्र के लिए अत्यावश्यक है, अन्यथा देश को आर्थिक संकट और सामाजिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न है, 1951 के बाद भारत की कृषि में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? चलिए उत्तर देखते हैं इसका। 1951 के बाद भारत में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 1950 से 1960 के बीच भारत सरकार ने सिंचाई और बिजली परियोजनाओं में बहुत धन लगाया। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, दामोदरा पश्चिम बंगाल, हीराकुंड उड़ीसा, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय छत्तीसगढ़ इत्यादि बांध बनाए गए। इससे सिंचित भूमि का रकबा बढ़ा और फसल उत्पादन में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अब लोग जंगल व चारागाहों में भी खेती करने लगे। इस प्रकार 1951 के बाद सिंचाई और बिजली परियोजना के विस्तार से जहां खेती भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा, वहीं उत्पादन में भी। हरित क्रांति भी इस समय की उपलब्धि थी, जिससे भारतीय किसान वैज्ञानिक पद्धति से कृषि करना आरंभ किए। प्रश्न है, हरित क्रांति से पहले और बाद की स्थिति में भारत कृषि में क्या परिवर्तन आए, वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति से पहले और बाद की स्थिति में भारत कृषि में जो परिवर्तन हुए वो बिंदुवार यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहले क्रमांक है, फिर बिंदु है, फिर हरित क्रांति से पहले और हरित क्रांति के बाद ये टेबल में दर्शाया गया। नंबर 1 लेते हैं, कृषि पद्धति। तो हरित क्रांति से पहले परंपरागत कृषि पद्धति चलती थी और हरित क्रांति के बाद वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य किया जाने लगा। ऐसी नंबर 2 है, तो पहले क्या था, फसल के से प्राप्त उत्पाद को ही बीज के रूप में उपयोग किया जाता था। मतलब बीज अलग से खरीदे नहीं जाते थे, उसमें से ही कुछ फसल भाग बचा कर रख देते थे बीजों के लिए। लेकिन हरित क्रांति के बाद उन्नत किस्म की बीजों का उपयोग होने लगा जो कि मार्केट में उपलब्ध होते हैं। नंबर 3 पे आता है खाद। हरित क्रांति से पहले क्या था, घुरे की खाद अथवा जैविक खाद का उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ है, रासायनिक खादों का उपयोग किया जाने लगा है।
नंबर चार पर चलते हैं दवाइयां। दवाइयां क्या है, किसी प्रकार की दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जाता था, कतिपय लोग आयु वैदिक बनाकर छिड़कते थे, आयुर्वेदिक बनाकर के छिड़कते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, कीटनाशक दवाइयों का भरपूर उपयोग होने लगा। नंबर पांच पे आता है कृषि यंत्र। पहले क्या होता था, हल हंसिया फावड़ा कुदाल आदि ही चलती थी, अब क्या हो रहा है, ट्रैक्टर हार्वेस्टर आदि चलता है। सिंचाई साधन, पहले क्या था, कुआं तालाब व प्राकृतिक वर्षा टेढ़ा पानी ये सब आता था, टेढ़ा रानी ये सब आता था, अब क्या है, नहर है, नलकूप है, टुल्लू पंप है, ट्यूबवेल है, अन्य विद्युत चलित यंत्र भी शुरू हो गए। कृषि स्वरूप क्या था, सामान्य कृषि होती थी, अब क्या होती है, सघन तथा गहन कृषि होती है। फराट क्या था, पहले ऋण सुविधा सेठ साहूकार था, अब बैंकों से प्राप्त होता है। और नंबर नौ है उत्पादन भरण पोषण के लिए मात्र था, बस केवल अपने ही खाने पीने के लिए था, लेकिन अब क्या है, अत्यधिक मात्रा में बढ़ोतरी हो गई है। और नंबर दस है कृषकों की स्थिति, पहले बहुत दयनीय हुआ करती थी, अब सुदृढ़ व खुशहाल होती है। पंजाब और हरियाणा के किसान पर्यावरण की किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उत्तर है ये, पंजाब और हरियाणा के किसान पर्यावरण की निम्न दो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नंबर एक है पानी की समस्या, उन दोनों राज्यों में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है, जिसमें भू जल का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे नलकूपों की संख्या में वृद्धि हुई, वैसे वैसे भू जल स्तर गिर गया, परिणाम स्वरूप या तो कुएं सूख गए या पानी बहुत नीचे चला गया और उसे निकालने में बड़ी मुश्किलें आने लगी। इस प्रकार दोनों राज्यों में जल संकट की स्थिति निर्मित हो गई। मिट्टी के उपजाऊपन में कमी, लगातार रासायनिक खादों के उपयोग से मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे कम होने लगा। अच्छी फसल पाने के लिए अब किसानों को अधिक मात्रा में खाद डालना पड़ता था, इससे उनका खर्च बढ़ जाता था और लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती थी। खेती के नए तरीकों के लिए रासायनिक खाद की जरूरत क्यों होती है, इसकी ज्यादा मात्रा में उपयोग से क्या हानि हो सकती है, उत्तर है, खेती की नए तरीकों का उद्देश्य अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करना था, जिसके लिए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाने लगा। इस बीज के द्वारा उत्पादन अधिक प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इसमें रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में डालना आवश्यक होता है। हानि क्या है, रासायनिक खादों के लगातार अधिक मात्रा में प्रयोग से मिट्टी के सूक्ष्म जैविक तत्व जैसे माइक्रो नष्ट हो जाते हैं और उन पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और वह क्षेत्र बंजर हो जाता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो ये उत्तर है हमारा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए निम्न तरीकों का उपयोग किया जाना व ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर एक है जैविक खादों का अधिकाधिक उपयोग करना। नंबर दो है फसल चक्र चाहिए। नंबर तीन अत्यधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। नंबर चार है रासायनिक खादों व कीटनाशकों का उपयोग विवेक पूर्वक करना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए। नंबर पांच खेतों में खाद वाली फसलें जैसे सब्जी सूरजमुखी आदि। नंबर छह है पशु चारण की समुचित व्यवस्था किया जाना चाहिए। नंबर पांच है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांध स्टॉप डैम आदि का निर्माण हो। नंबर आठ है चकबंदी द्वारा मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित किया जा सकता है। उन्नत बीज और देसी बीज के उपयोग में क्या क्या फायदे और नुकसान हैं, बताइए। उत्तर है उन्नत बीज के फायदे लेते हैं, पहले लाभ देख लेते हैं। उन्नत बीज की पैदावार अधिक होती है, ये कम समय में पकते हैं, अतः दोबारा फसल भी लिया जा सकता है। उन्नत बीज से प्राप्त पौधे छोटे कद के होते हैं, अतः गिरते नहीं है, जिसके अनाज यानी उत्पादन बराबर नहीं होता है और फसल अच्छी होती है। हानि, उन्नत बीजों से देसी बीजों की तुलना में कीड़ों का आक्रमण ज्यादा होता है, इसमें रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में डालना पड़ता है, अतः अधिक खर्च होता है। देसी बीजों की तुलना में इसे सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है,
ऊंचाई कम होने के कारण इसकी कटाई में मुश्किलें आती हैं। दवाइयां विदेशों से आती हैं, इसलिए बहुत महंगी होती हैं। ऊंचाई कम होने के कारण पयाल यानी पैरा भी कम मिलता है। देसी बीजों के फायदे, देसी बीजों को अधिक पानी और खाद की आवश्यकता नहीं होती। इनमें उन्नत बीजों की तुलना में बीमारियां भी कम लगती हैं। इनका उत्पादन जैविक खादों द्वारा किया जाता है, अतः खर्च इसमें खर्च भी कम आता है। देसी बीजों से कृषि करने पर मिट्टी की उर्वरता भी लंबे समय तक बनी रहती है। अधिक ऊंचाई होने के कारण कटाई में आसानी होती है और पयाल भूसा आदि भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इस बीज को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार देसी बीज से फसल लेना कम खर्चीला है। हानि क्या है? देसी बीज के फसल पकने में बहुत समय लेता है। नंबर दो, ऊंचाई अधिक लेने के कारण फसलें गिर जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। नंबर तीन, देसी बीजों की उत्पादन क्षमता भी कम है, अतः किसानों को ज्यादा लाभ नहीं होता है। ऊंचाई अधिक होने के कारण दवाइयों के छिड़काव में असुविधा होती है तथा खलिहान तक लाने में परिवहन व्यय भी अधिक पड़ता है। किसानों के हित के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं बनाई है, नाम लिखिए। तो उत्तर है, हरित क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई। नंबर एक है, अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज का उपयोग। नंबर दो, सिंचाई के लिए मोटर पंप बिजली डीजल का प्रबंध। नंबर तीन, रासायनिक के खाद उपलब्ध कराना। नंबर चार, कृषि कार्यों में मशीन का उपयोग। नंबर पांच, कीटनाशक दवाओं का उपयोग। नंबर छह, सोसाइटी एवं बैंक में पूंजी की व्यवस्था। नंबर सात, कृषि उत्पादनों के लिए मंडी तथा भंडारण की व्यवस्था। यहाँ पे सही विकल्प चुनना है आपको। तो पहला नंबर एक है, आजादी से पहले गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता था। कौन होता था बच्चों, ध्यान रखना, ये है जमींदार, सबसे ताकतवर होता था। नंबर दो है, आजादी के बाद जमींदारों के जमीन बांट दिए गए। कहाँ बांट दिए गए पता होना चाहिए आपको, तो भूमिहीन मजदूरों में बांट दिए गए। नंबर तीन, हीराकुंड बांध स्थित है। कहाँ हीराकुंड बांध बटा, तो ये है उड़ीसा में स्थित। अब अगला आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कौन सा है छत्तीसगढ़ में, तो ये है हमारे पास पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। नंबर पांच है, सन 1951 में भारत में कुल कृषि भूमि था, ये तो ये है आपका 2697,00,000 एकड़, मतलब ये वाला आपका उत्तर सही है। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न है, 1951 की तुलना में 1966 को सिंचित भूमि का रकबा आपको बताना। ये आपका जो है, अरे यार, क्या करूं, बैठ गया भाई। तो इसका जो है ये है ख वाला उत्तर सही है, यानी कि 658,00,000 एकड़। नंबर सात है, हरित क्रांति के अंतर्गत चावल पैदा किया जाता था। तो कहाँ चावल पैदा किया जाता था, तो ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में पैदा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नंबर आठ है, हरित क्रांति को किस नाम से लागू किया गया था, तो ये है आपका सघन जिला कृषि कार्यक्रम के नाम से लागू किया गया था। नंबर नौ, छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति को कब लागू किया गया था, तो ये आपका है 1966 में लागू किया गया था। नंबर 10, किसानों से अनाज खरीदने और उनका भंडारण के लिए गठित संस्था है, तो ये है भारतीय खाद्य निगम। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसको एकत्र किया जाता है। अगला है, खाली स्थान भरिए। तो नंबर एक है आपका, हरित क्रांति कार्यक्रम को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, यहाँ आएगा रायपुर, रायपुर जिले का चुनाव किया गया था। तो ध्यान रखना, हरित क्रांति कार्यक्रम को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का चुनाव किया गया था। नंबर दो देखते हैं,
काटोर बांध राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। नंबर तीन देते हैं, सरकार द्वारा फसलों के लिए निर्धारित मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? समर्थन मूल्य कहते हैं बच्चे ये, तो यहां समर्थन मूल्य आना चाहिए, समर्थन मूल्य। नंबर चार है, स्कूलों को मध्याह्न भोजन के लिए अनाज उपलब्ध कराती है, कौन कराती है ये आपको बताना है, तो भारतीय खाद्य निगम कहलाती है, यहां लिखेंगे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। नंबर पांच है, से पर्यावरण में कई तरह के असंतुलन असंतुलन पैदा, तो हरित क्रांति है, तो यहां लिखेंगे हरित क्रांति। की मात्रा ज्यादा होने के कारण मिट्टी के सूक्ष्म जैविक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो रासायनिक खादों में आएगा यहाँ पे बच्चों, ये है रासायनिक खादों, रासायनिक खादों। चलिए अगला चलता है, नल कूपों की संख्या यानी बढ़ती संख्या के कारण का स्तर तेजी से गिर गया, यानी भूजल का, तो यहाँ आ जाएगा भूजल। नंबर आठ है, सन 1967 में सरकार के पास कुल अनाज का भंडारण था, तो 19 लाख टन का था भंडारण हमारे पास, 19 लाख टन का अनाज का भंडारण था। नौवां है, सन और दोनों को सूखे के साल थे, ये दोनों सूखे के साल थे, 1965 था और क्या था 1966, दोनों थे ये, दोनों सूखे के साल थे। नंबर दस, जमींदारों के पास देश की खेती योग्य जमीन का हिस्सा था, कितना हिस्सा था? आधे से ज्यादा था, तो यहाँ लिखेंगे आधे से ज्यादा। सत्य और असत्य बताना है आपको, तो नंबर एक, आजादी से पहले लोगों की मौत रोग और भूख से अधिक होती थी, तो ये बिल्कुल सत्य घटना थी, सत्य है ये। नंबर दो, आजादी के बाद लगान वसूली के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, ये भी सत्य घटना है। नंबर तीन, जमींदारों को जमीन उनके रिश्तेदारों में बांट दिया गया, ये असत्य है। नंबर चार, हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये असत्य है। अगला है, उन्नत बीजों में बीमारियां कम आती है, ये भी असत्य है, में अधिक बीमारियां। अगला है, आजादी के पूर्व किसानों के सामने जो समस्या थी उनका वर्णन कीजिए। नंबर उत्तर है, ये आजादी के पूर्व और जमींदारी प्रथा की समाप्ति के पहले किसानों की हालत बहुत दयनीय थी, उनके पास जमीन कम होने के कारण वे दूसरों की जमीन पर मजदूरी किया करते थे, उनके सिर पर जमींदारों व साहूकारों के कर्ज का बोझ आजीवन बना रहता था, उन्हें जमीन के मालिक जमींदार को पैदावार का बड़ा हिस्सा कटाई के पड़ता था, परिणाम स्वरूप गरीब किसान गरीबी में जीने को विवश थे और वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते थे। जमींदारी प्रथा खत्म होने से छोटे किसानों और मजदूरों को क्या फायदा हुआ? उत्तर है, जमींदारी प्रथा के खत्म होने से छोटे किसानों और मजदूरों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, अब उन्हें जमींदारी के आतंक से मिल चुकी थी, उन पर लगान जमा करने का दबाव भी कम हो गया था, जमींदार के बदले सरकारी कर्मचारी लगान वसूल करते थे जो किसानों की सहूलियत के अनुसार लगान जमा कराते थे, अब मजदूरों को भी आसानी से काम और उचित पारिश्रमिक मिलने लगा था, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति ने मजदूरों को नव जीवन प्रदान किया, जमींदारों के अनाधिकृत जमीनों को किसानों व मजदूरों में बंटने से अब वे भी भूस्वामी बन चुके थे तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। सरकार ने कानून बनाकर जमीन की सीमा क्यों तय की? जमींदारों के पास देश की खेती योग्य जमीन का
आधे से ज्यादा हिस्सा था। वे उन जमीनों को खेतिहर मजदूरों व छोटे किसानों को देकर उनसे अत्यधिक कटाई वसूल करते थे। कई जमींदारों का आतंक तो दूर दूर तक फैला हुआ था। अतः सरकार ने जमीन रखने की सीमा तय कर अतिरिक्त भूमि को मजदूर व भूमिहीन किसानों में बांट दिया, जिससे भूमि का सदुपयोग किया जा सके तथा भूमिहीन की स्थिति में सुधार किया जा सके। नए तरीके से खेती करने के लिए किसानों को हर साल ज्यादा पैसे की जरूरत क्यों होती है? नए तरीके से खेती करने के लिए किसानों को हर साल ज्यादा पैसे की जरूरत होती है क्योंकि उन्नत बीज, रासायनिक खाद एवं दवाई और नवीन कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए अतिरिक्त रुपयों की जरूरत पड़ती है। नवीन खेती में सिंचाई भी अधिक आवश्यकता होती है, अतः नलकूप लगाना लगभग अनिवार्य रहता है। इससे काफी व्यय होता है। उन्नत बीजों की क्या खासियत है? इन बीजों को उगाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो ये उत्तर है, उन्नत बीजों की खासियत यानी विशेष गुण निम्नलिखित है। नंबर एक, उन्नत बीज कम समय में पक जाते हैं। नंबर दो, इन फसलों की ऊंचाई कम होती है। नंबर तीन, अनाज की पैदावार अधिक होती है। उन्नत बीजों को उगाने के लिए अच्छी सिंचाई वाली जमीन की जरूरत होती है तथा कीटनाशक दवाइयों व रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। किसान बीज, खाद और कीटनाशक कहां से प्राप्त करते हैं? तो किसानों को सही दाम पर उन्नत बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं इत्यादि की आपूर्ति राज्य की सहकारी संस्थाएं करती हैं। जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो जल को जीवन कहा गया, मतलब जल ही जीवन है, अर्थात संसार में जीवन को बनाए रखने के लिए जल परम आवश्यक है। किसी भी प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं है यदि जल का अपव्यय किया गया अथवा संरक्षित नहीं किया गया तो संकट की स्थिति निर्मित हो जाएगी, जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जमींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो अंग्रेजी शासन काल में राजस्व वसूली लगान के लिए गांव के ही एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो संबंधित गांव अथवा गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवाता था। इस व्यक्ति को जमींदार कहा जाता था और इस पद्धति को जमींदारी प्रथा कही जाती थी। सरकार द्वारा निर्धारित भूमि सीमा से बचने के लिए जमींदारों ने क्या किया? सरकार द्वारा निर्धारित भूमि सीमा कानून से बचने के लिए जमींदारों ने अपनी जमीन अपने परिवार और रिश्तेदारों में बांटने लगे। उन लोगों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि जमीन कई लोगों के पास है जबकि वास्तव में पूरी जमीन उनके कब्जे में थी और वे पहले ही उससे कमाई करते थे। छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है इसका, छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति 1966 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुई। इस कार्यक्रम के लिए रायपुर जिले को चुना गया था। इस योजना के तहत कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। नई प्रजातियों के उन्नत बीज तैयार किए गए। उन्नत किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं के लिए सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई। सिंचाई के लिए कोडर बांध, पंडित रविशंकर जलाशय का निर्माण तथा नलकूप खनन के लिए भी अनुदान दिया गया। किसानों को आसान किस्तों में सहकारी संस्थाओं के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया। बाद में इस योजना को पूरे छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया। हरित क्रांति का छोटे व बड़े किसानों पर क्या प्रभाव हुआ? तुलना कीजिए और हरित क्रांति के छोटे बड़े का प्रभाव निम्न प्रकार है। नंबर एक क्रमांक ले रहे हैं, बिंदु है, फिर बड़े किसान पर प्रभाव और छोटे किसान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले नंबर लेते हैं, उत्पादन के साधन में क्या हुआ? बड़े किसान के पास पर्याप्त थे लेकिन कम रहता था या नहीं रहता था छोटे किसानों के पास। नंबर दो, उर्वरक प्रयोग, तो ये बड़े किसान तो अधिक मात्रा में करते थे लेकिन छोटे किसान सीमित मात्रा में करते थे। उत्पादन जो है अधिक होता था बड़े किसानों का और छोटे का जो है लागत के आसपास कमाई होती थी। नंबर चार, कर्ज की बात करें तो बड़े किसान कोई कर्ज नहीं लेते थे लेकिन ये छोटे किसान कर्ज का होना सामान्य बात थी। नंबर पांच, जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर रहता था बड़े किसान का लेकिन छोटे किसानों का निम्न जीवन स्तर रहता था।
नंबर 6 कृषि का स्वरूप, किसानों के लिए व्यावसायिक फसलों का उत्पादन था और छोटे किसानों के लिए परंपरागत फसलों का उत्पादन था। निम्नलिखित जलाशयों को एटलस में देखकर अभ्यास मानचित्र में भरें। तो पहला नंबर आता है भाखड़ नागल बांध, तो ये पंजाब में भाखड़ नागल बांध है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस जगह पे है भाखड़ नागल बांध, ये आपको दिखाया हुआ इस जगह पे। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में है, ग हीराकुंड उड़ीसा में, नंबर घ नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, और डी गांधीनगर मध्य प्रदेश में, पंडित रवि शुक्ल जलाशय छत्तीसगढ़। तो चलिए देखते जरा इसमें क्या कुछ रह गया है। तो ये देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये गांधी सागर है, और छत्तीसगढ़ में ये क्या पंडित रवि शुक्ल वाला है जलाशय, और ये उड़ीसा, उड़ीसा में हीराकुंड है, और पश्चिमी बंगाल में क्या है दामोदर घाटी, और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश में कौन सा है नागार्जुन सागर है। तो ये जो है परियोजना जो भी कुछ दिया हुआ है इसको आप लोग भर सकते हैं एटलस में। चलिए आगे देखते हैं, जमींदारों को अतिरिक्त जमीन को लेकर के सरकार ने भूमिहीन को बांट दी, इससे उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, उत्तर देना है आपको। उत्तर है जमींदारों की अतिरिक्त जमीन को लेकर के सरकार ने भूमिहीन किसानों में बांट दी, इससे उनके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आया। अब वे खेतिहर मजदूर से भूस्वामी बन गए थे, अब उन्हें मजदूरी और रुपयों के लिए जमींदार की चिरौरी नहीं करनी पड़ती थी। वे अपने जमीन का पर फसल उगाने के लिए दिन रात परिश्रम करते थे और अपनी इच्छा से बेचते थे। पहले की तरह उन्हें जमींदारों को कटाई देना नहीं पड़ता था, फलस्वरूप धीरे धीरे भूमिहीन जन आत्मनिर्भर बनते जा रहे थे। अब उनका जीवन खुशियों से भर गया था, अथवा बंधवा मजदूर भी क्रमशः मुक्त होते जा रहे थे। इसी के साथ ही आपका लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और ये बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं वीडियो डालू नया तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।